सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बड़े ही आसानी से। देखिए दोस्तों, ये हमारा जून 2019 का पेपर है, 21 जून का पेपर है अभी जो हुआ। इसके अंदर देखिए, नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया, मैंने आपको दिखाया था। नैदानिक मतलब होता है डायग्नोस्टिक, नैदानिक मतलब मैंने बताया था कि निदान करना, किसी भी चीज़ का निदान करना। तो इसका ऑप्शन दो है दोस्तों, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारण और उसका समाधान। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखाया था, अभी फिर मैं आपको दिखा देता हूँ यही क्वेश्चन पहले कैसे आया है हमारा 21 जून 2019 का क्वेश्चन। रुकिए, ये है हमारा दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर ये देखिए, नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। ये देखा आपने, यही क्वेश्चन हमारा 2019 में है और यही क्वेश्चन हमारा 2014 के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ भी इसका आंसर है जो क्या है दोस्तों, सतत समस्याओं के कारण और निदान करना, यानी कि उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो आपने देखा दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार 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 एक ही क्वेश्चन को किस तरह से रिपीट किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी भी यही संभावना बनती है कि दिसंबर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। बस आप, हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीज नेट पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम टीचिंग एप्टीट्यूड में सन 2012 से लेकर जून 2019 तक रिपीट होने वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो इस वीडियो को आप दोस्तों पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 के 5 क्वेश्चन भी राइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ 2 वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो 2012 से लेकर 2019 तक रिपीट हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा सन 2012 का क्वेश्चन पेपर है, जून 2012 का। इसमें देखते हैं क्वेश्चन हम। अब ये देखिए, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर है 45। निम्नलिखित में से क्या प्रेक्षित साधन में नहीं आता, यानी कि जो हमारी प्रोजेक्ट एड है वो कौन सी नहीं है। ये देखिए, इंग्लिश में भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्रोजेक्ट एड, यानी कि जो टीचिंग एड्स है उसके अंदर से क्वेश्चन है। तो जो ब्लैकबोर्ड है वो हमारा टीचिंग प्रोजेक्ट एड्स नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कैसे रिपीट हुआ है। यहाँ पर आपने देख लिया ब्लैकबोर्ड का, यहाँ पर जून 2012 में रिपीट हुआ है और आगे हम देखते हैं कि आगे ही इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर ये देखिए दोबारा फिर रिपीट हुआ है 46 नंबर। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कौन सी पद्धति सही है, ये हमें बतानी है। तो आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अब हम ये देखते हैं कि आगे 2012 के अलावा ये क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इन्होंने फिर पूछ लिया कि शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है वो बार बार पूछ रहे हैं, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे पास 22 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ये मॉर्निंग शिफ्ट है। इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब ये देखिए, अमंग द फ्लोविंग विच वन इज़ नॉट ए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, इसमें से बताना है कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल टीचिंग एड है वो कौन सी नहीं है, तो इसमें से हमें बताना है। ठीक है, ये किस में से है दोस्तों, ये टीचिंग एड्स जो हमारा टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ब्लैक बोर्ड के बारे में इन्होंने नहीं पूछा, लेकिन टीचिंग एड्स में से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि 2019 के अंदर कैसे रिपीट हुआ है यही क्वेश्चन। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 21 जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर
2007 इन्होंने इसमें पूछा विच टीचिंग एड एनहांस द स्किल लाइक रीडिंग लिस्टिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये भी हमारा टीचिंग एड से क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीचिंग एड्स में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और अब हम और टॉपिक देखते हैं दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे पास दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब ये देखिए, इसके अंदर अधिगम और शिक्षण की बात करते हैं हम टीचिंग के अंदर, इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे पूछा 54 नंबर क्वेश्चन, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, अधिगम का क्या अर्थ निकलता है। तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों व्यवहार संशोधन, यानी कि हमारा जो बिहेव है उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेके आना। और अब हम इसमें देखते हैं कि अधिगम और शिक्षण में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें इन्होंने पूछा हुआ कि शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में कौन से जो ऑप्शन है वो सही है वो हमें बताने हैं, और शिक्षण अधिगम के जो संबंध है, अंतर है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हम देख लेते, इसका आंसर देख लेते जल्दी से। इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 के अंदर 1, 2, 3 और 5 दिया है, 1, 2, 3 और 5 दिया है इसके अंदर। अब देखिए, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होता तो वह शिक्षक है वो भी असफल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और अगला, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब हम शिक्षण कर रहे हैं, जब हम टीचिंग कर रहे हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो ये होता है कि हम बच्चे को सिखा सकें। और अगला है, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये बात मैंने आपको पहले की वीडियो में बताई है कि बगैर अधिगम के किस तरीके से शिक्षण हो सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो टीचर है वो सिखाता भी और खुद भी सीखता है, तो इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन ये आया है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे यही क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है जनवरी 2017 में ही। अब ये देखिए, इन्होंने अधिगम और शिक्षण के बारे में दिया है, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये मैंने आपको बताया था कि अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम मतलब कि सीखना किसी भी तरीके से हम सीख सकते हैं, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से सीख सकते हैं। तो अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया, यानी कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसके जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि हमारी लर्निंग तभी कामयाब होगी जब हम उसको अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करके चलेंगे, ठीक है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। और ये अब देखिए, ये हमारा नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति और उद्देश्य को प्रस्तुत करता है, ठीक है। और इसमें अब देखिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने राइट दिया, बी सी और ई। अब ये देखते हैं, बी सी और ई, इसके अंदर बी में क्या है, शिक्षक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य, ये बात भी मैंने आपको बताई थी दोस्तों। जो शिक्षण है वो एक सामाजिक कृत्य है जिसके अंदर हम समाज का भला करते हैं, लेकिन अधिगम जो है वो हमारी पर्सनल चीज़ होती है। अधिगम यानी कि हम कहीं से भी कैसे भी सीख सकते हैं, तो वो हमारी पर्सनल चीज़ होती है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण में अधिगम निहित है। अब देखिए, शिक्षण जब हम करते हैं तो उसमें अधिगम निहित होता है, ठीक है। यानी कि हम शिक्षण कर रहे हैं तो हम सिखा भी रहे हैं, उसके अंदर बच्चा सीख रहा है, अपने आप भी सीख रहा है और हम भी सिखा रहे हैं, तो उसके अंदर अधिगम निहित है। जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, और अधिगम के अंदर शिक्षण नहीं होता, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप हमारी पीछे की वीडियो देख सकते हैं, अधिगम और शिक्षण में क्या क्या रिलेशन होता है और किस तरीके से अधिगम में शिक्षण होता है और शिक्षण में अधिगम नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताई हुई है, ठीक है, वो वीडियो आप देख लेना। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ई पे, शिक्षण एक अंतःक्रिया है जबकि प्रकृति में तृप्ति है, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। अब ये बात भी मैंने आपको बताई है दोस्तों, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, यानी कि इसके अंदर शिक्षण के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनल चीज़ें होते हैं, बच्चे को हम डांटते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं और बच्चे को प्रोत्साहन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अधिगम है, अधिगम के अंदर ऐसा नहीं होता,
ये चीज़ें हैं दोस्तों। और आगे हम देखते हैं कि अधिगम और शिक्षण से कैसे हुआ है। अब ये देखिए, अधिगम और शिक्षण में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 ही दिया है इन्होंने। शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। इस इनमें से कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सहायक है शिक्षण और अधिगम के लिए। अब देखते हैं इन्होंने जो आंसर दिया दोस्तों वो दिया ऑप्शन नंबर ए। ए में है ए सी डी। ए सी डी देखते हैं दोस्तों, ए सी और डी। अब देखिए ए में क्या दिया है, विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, यानी कि विद्यार्थी का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सी, विद्यार्थी की अभिक्षमता यानी कि एबिलिटी, विद्यार्थी के अंदर कितनी योग्यता है, कितना वो सीख सकता है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी के विकास की अवस्था यानी कि वो किस लेवल से किस हिसाब से वो सीख रहा है। अब बच्चा ज़्यादा समझने वाला भी हो सकता है और कम मंद बुद्धि भी हो सकता है, तो हमें उसके अनुसार से चलना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरीके से क्वेश्चन है हमारे इसके अंदर। अब ये देखिए हमारा नवम्बर 2017 का ही क्वेश्चन पेपर है। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे पास नवंबर 2017 का ही क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर इन्होंने दिया है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित है, यानी कि जो ये कथन अभिकथन वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ये बताना है सही है या गलत है। और आगे, अधिगम को उपयोगी होने के लिए इसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, ये कह रहा है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, वैसे मैंने पहले भी बताया शिक्षण क्या है। शिक्षण एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर कोई चीज़ सीखी जाती है तो उसे हम कहते हैं शिक्षण कहते हैं। जैसे क्लास के अंदर हम जाते हैं, क्लास में टीचर हमें समझाता है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा शिक्षण हो गया। और अधिगम क्या है, अधिगम हम अपने हिसाब से सीखे, जैसे कि गली में जा रहे हैं, गली में कुछ भी हो रहा है उसको देख के हम सीखे, तो वो हो गया हमारा अधिगम, ठीक है। अधिगम कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन शिक्षण एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अभिकथन इन्होंने क्या दिया कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, यानी कि सभी शिक्षण यानी कि हर तरह की टीचिंग के अंदर लर्निंग होती है, ये बात बिल्कुल सही है इनकी। और तर्क इन्होंने दिया है, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, ये बात इसकी सही नहीं है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि अधिगम के लिए शिक्षण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात ये कह रहा है कि शिक्षण से उत्पन्न होनी चाहिए अधिगम। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगाइए इस पर, हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम कोई जैसे कि कहीं पे जा रहे हैं और वहाँ पे हमें ठोकर लग गई, ठीक है, किसी ईंट से हमारा पैर टकरा गया और हमें चोट लग गई, तो वो क्या हुआ, हमारा अधिगम हुआ, हमने वहाँ पे सीखा। वहाँ पे हमें कोई सिखा तो नहीं रहा ना, कोई टीचर आके हमें ये तो नहीं बता रहा ना कि ईंट से टकराने से आपको चोट लग जाएगी, पत्थर से टकराने से चोट लग जाएगी, वो हमें सिखा नहीं रहा, वो हम ऑटोमेटिक अपने तरीके से सीख रहे हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा अधिगम हुआ। लेकिन उसके अंदर शिक्षण नहीं है, हमें कोई सिखा नहीं रहा, हम अपने आप सीख रहे हैं, तो वो क्या हो गया दोस्तों, वो इसका मतलब ये हो गया कि अधिगम के लिए शिक्षण होना ज़रूरी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड दोनों के संबंध के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए सही है, लेकिन आर जो ऑप्शन है वो गलत है। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि शिक्षण एवं अधिगम से 3 क्वेश्चन नवम्बर 2017 के अंदर आए हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंटिन्यूसली 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, तो आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना इसमें से बनती है। और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों इसमें से कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इन्होंने फिर से वही बात पूछी है कि शिक्षण की प्रकृति का प्रकृति और उद्देश्य सही से बताइए, यानी कि शिक्षण है उसकी क्या नेचर है वो हमें बताना है। अब देखिए, इन्होंने वही फिर शिक्षण और अधिगम के बारे में सारी बातें दी है, तो वो हमें बतानी है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। इन्होंने आंसर नंबर 3 दिया है, ए सी एफ। ए सी एफ हम देखते हैं, ए ये हो गया, सी ये हो गया और एफ हमारा ये हो गया, ये हम देखते हैं किस तरह से सही है। शिक्षण और अधिगम अभी निश्चित रूप से संबंधित है, यानी कि
अब देखिए शिक्षण और अधिगम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। शिक्षण करते तो हम सीखते, तो दोनों की दोनों चीज़ें क्या है, संबंधित हो गई। और आगे हम देखते कि समस्त शिक्षण का सारोकार छात्र में कुछ प्रकार से रूपांतरण को सुनिश्चित करना होता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये वही बात आ गई जो हमने 2013 के क्वेश्चन पेपर में पढ़ी थी। उन्होंने लिखा था अधिगम का उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन लेके आना। यही बात शिक्षण में होती है दोस्तों, जब हम किसी को टीच कर रहे होते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लेके आए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना आप। और अगला है दोस्तों ऑप्शन नंबर एफ, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य। अब ये देखिए दोस्तों, ये वही ऑप्शन है जो हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले दूसरे क्वेश्चन में, नवंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन दिया हुआ था कि शिक्षण एक सामाजिक कृत्य, ये एक सोशल कार्य है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कार्य है, ये हम पर्सनल तरीके से सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन के जो ऑप्शन उन पर टिक कर सकते हैं। अगर आप एक बार देख लेते कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से ऑप्शन हैं। और दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहें तो ये पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं। इसके अंदर हमने 2012 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। किसी भी दोस्त को ये पीडीएफ लेनी है तो ये आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसकी हमने कुछ सामान्य कोस्ट रखी हुई है, वो कोस्ट दे के आप ये पीडीएफ बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, जुलाई 2018 का ही क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने दिया है समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन भी पहले आ चुका है, पहले हमने देखा है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। और तर्क इन्होंने दिया है कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। आप इस क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना समझना। चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शायद आपको परेशानी हो। इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है, यानी कि जो हम पढ़ा रहे तो हमारा उद्देश्य क्या है, कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चा उससे कुछ ना कुछ सीखे, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही होगी। और आगे है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नवंबर 2017 में जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही डिटो कॉपी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही से ये समझ में आ जाए। ये देखिए हमने किया था, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, वो समस्त शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को घुमा के फिरा के दिया है, बस हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो वही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इस पीडीएफ से क्वेश्चन करते, इस पीडीएफ को लेते हैं, समझने की कोशिश करते, तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं दोस्तों, और 5 के 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल राइट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो बार बार रिपीट होता है। अब ये देखिए दोस्तों, सितंबर 2013 का अपना क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, ये हमें बताना है, कौन सी बेस्ट शिक्षण विधि है ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन अब मैं आपको दिखाऊंगा कितनी बार रिपीट हुआ है, 2018 में भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अब इसमें आप बताइए कि व्याख्यान विधि सही है, परिचर्चा, निदर्शन या प्रश्नोत्तरी विधि सही है। चलिए मैं आपको ये इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा क्या है। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये हमें बताना है। अब देखिए, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे जैसे मैंने आंसर दिया है, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं बच्चे को, बच्चे को इंटरेस्ट आता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। और अब हम यही क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन किस तरह से बार बार रिपीट हुआ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे किस तरह से रिपीट हुआ है हमारा। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। अब ये देखिए, इसमें इन्होंने फिर से वही ऑप्शन दे दिए, सारे के सारे क्वेश्चन वही है, बस हमें देखने की ज़रूरत है। अब इन्होंने फिर से निरूपण दिया है, वहाँ पर इन्होंने क्या दिया था, निदर्शन दिया था, यहाँ पर इन्होंने निरूपण दिया है, लेकिन
अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में देखते ही आप बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। अब देखिए इंग्लिश में यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएगा, और हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। हम एक बार देखते ही अगर दोबारा ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल आसानी से इसका हम आंसर दे सकते हैं। और एक बात मैं आपको बार बार कहता हूँ दोस्तों, आप इंग्लिश में याद रखने की ज़रूर कीजिए, इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि हिंदी में जो नाम है वो घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। अभी हमने देखा कि डेमोन्स्ट्रेशन को कभी तो ये निरूपण कह रहे हैं, कभी ये निदर्शन कह रहे हैं, ठीक है, तो आप इंग्लिश में याद रखिए। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। अब देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, हमारा दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 51, शिक्षण के दौरान, एक मिनट रुकिए, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निदर्शन पद्धति दिया है, और हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन। अब ये देखिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि कौन सी विधि के अंदर जो बच्चा ज़्यादा यानी कि पार्टिसिपेशन कर सकता है, ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से एक डेमोन्स्ट्रेशन से किस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और यही क्वेश्चन मैं आपको अब दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर में दिखाता हूँ कि किस तरह से ये रिपीट हुआ है, आप हैरान रह जाएंगे देख के। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर। ये देखिए 18 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू टीचिंग विल एनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग, इनडायरेक्ट लर्निंग को कौन सा मेथड एनकरेज करता है बच्चे को, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन ए सब्जेक्ट, यानी कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर डेमो देना, उससे एनकरेज होता है बच्चा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक डेमोन्स्ट्रेशन का क्वेश्चन 2012 से लेकर 2018 तक किस तरह से रिपीट हुआ है, तो अब की बार भी इसके आने की संभावना है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना कि किस तरह से है, ये क्या है। और अब हम अगला टॉपिक करते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचिंग के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पेपर है सितंबर 2013 का है, इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा 45, ये इवैल्यूएशन सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 नंबर क्वेश्चन हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अब ये हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा इवैल्यूएशन सिस्टम है जिसके अंदर कंटिन्यूस फीडबैक दिया जाता है, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा है। वो है दोस्तों हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी था, एक छोटा सा हिंट दिया था कि जहाँ पे फॉर्मेटिव आ जाए, यानी कि साल में चार बार जहाँ पे टेस्ट लिया जाए, यानी कि कंटिन्यूस फीडबैक दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं दोस्तों इसी से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब हम देखते हैं आगे, हमारा ये है दोस्तों, ये हमारा जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। अब देखिए, इन्होंने यहाँ भी क्या कहा है, लर्निंग प्रोसेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, आपने बिल्कुल देखा यहाँ पे कि एक ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, वही रिपीट हुआ है, और यहाँ भी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्वेश्चन आंसर इसका आएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और अगर आप ये PDF करते तो बिल्कुल आसानी से आप अपना क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये PDF लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये PDF ले सकते हैं, और इसकी कुछ सामान्य कॉस्ट हो सकती है, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर हम देखते हैं, ये हमारा इंग्लिश के अंदर, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 52। इसको सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन।
नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है, यानी कि जो नैदानिक मूल्यांकन है वो क्या करता है वो हमें बताना है। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है। नैदानिक मूल्यांकन को कहते हैं दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सिस्टम कहते हैं। अब देखिए नैदानिक के अंदर क्या होता है, निदान यानी कि निदान, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है किसी चीज़ का उपचार करना। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उन अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान, यानी कि बच्चा क्या सीख रहा है, उसको क्या समस्या आ रही है, उसका उपचार करना, उसका निदान करना। तो ये क्या होता है दोस्तों, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सिस्टम की विशेषता होती है यहाँ। ठीक है, यहाँ से आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। आगे हमारा एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं पेज नंबर निकाल लेता हूँ। ये है हमारा दोस्तों जून 2015 का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर हम देखते हैं, ये देखिए एक मिनट सॉरी दोस्तों, ये है हमारा दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर इन्होंने क्या है कहा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है। अब इसको कहते हैं कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं दोस्तों। तो इसमें हमें बताना है कि क्या क्या विशेषता है इसकी। और आप ये चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इसके अंदर मिल जाएगा दोस्तों। नीचे हम हिंदी वाला ही देख लेते हैं, इसके अंदर इसके इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दोस्तों बी सी और डी। बी सी डी हम देखते हैं, बी सी डी यह प्राप्त अंकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है, यानी कि जो हमने अंक लिए उसको ग्रेड में प्रदर्शित करता है, सबसे पहली बात। दूसरा, यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। ये भी, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं टीचिंग की। यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये सभी ऑप्शन आएंगे। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए, ये है हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर। इन्होंने फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन, अब हमें वही बात फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में हम देख लेते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। आप इसमें देख लेना दोस्तों, नीचे मिल जाएगा पीडीएफ में आपको। अब इसमें देखते कि इसके उत्तर यानी कि आंसर क्या क्या होंगे। इसके बी डी और एफ दिया है, बी डी और एफ इन्होंने दिया है। अब इसमें देखते कि क्या है बी में, निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, फॉर्मेटिव मतलब चार बार यानी कि कंटिन्यूस। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। अब देखिए प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना, और अंतक्रिया यानी कि जब टीचिंग कर रहे हैं उसके दौरान बच्चे को देखते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, यानी कि उसको फीडबैक देते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। अब शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन करता है। और आगे है शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र में के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, यानी कि जो टीचर है वो उसके सभी क्वेश्चन के आंसर देता है और उनको एनकरेज करता है ताकि बच्चा आगे भी क्वेश्चन पूछ सके। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते कि इसके और जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं हुए। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इन्होंने दिया है, शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ग्रेड देता है। तो अब आप बताइए ग्रेड की बात हमने किस में की थी, ग्रेड की बात हमने की थी कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर की थी। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसी तरीके से बी और ई ऑप्शन नंबर भी नहीं होंगे, वो आप आसानी से इसको पढ़ लेना। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे यह क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। ये हमारा शायद 2019 के अंदर भी रिपीट हुआ है। एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं हाँ ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जून 2019 का पेपर है, 21 जून का पेपर है अभी जो हुआ। इसके अंदर देखिए नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया, मैंने आपको दिखाया था। नैदानिक मतलब होता है डायग्नोस्टिक, नैदानिक मतलब मैंने बताया था कि निदान करना, किसी भी चीज़ का निदान करना। तो इसका ऑप्शन दो है दोस्तों, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारण और उसका समाधान। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखाया था, अभी फिर मैं आपको दिखा देता हूँ यही क्वेश्चन पहले कैसे आया है हमारा 21 जून 2019 का क्वेश्चन। रुकिए,
ये है हमारा दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर ये देखिए नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है, ये देखा आपने, यही क्वेश्चन हमारा 2019 में है और यही क्वेश्चन हमारा 2014 के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ भी इसका आंसर है जो क्या है दोस्तों, सतत समस्याओं के कारण और निदान करना, यानी कि उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार 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 एक ही क्वेश्चन को किस तरह से रिपीट किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी भी यही संभावना बनती है कि दिसंबर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर दोस्तों आपको दिल से हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, क्या हमें हर टॉपिक की ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।